सबसे मैं जान से आप सबसे बोल रहा था। मैं आपसे बोले इतने बोले ये से बोलते बाय। मैंने जो है अपने ग्लव्स भी सैनिटाइज कर लिए हैं और मैं मोबाइल अब बैग में डाल रही हूँ और अब मैं नहीं निकालूंगी। चलिए इब्राहिम लेट्स गो। चलिए जी कम ऑन लेट्स गो। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब पता नहीं कितने अरसे के बाद हम बाहर निकले तो अब हम जा रहे हैं, लेकिन अब मेरा फ़ोन नहीं कर चलेगा क्योंकि ना मेरा फिंगरप्रिंट लॉक काम कर रहा है ना मेरा फेस डिटेक्शन। तो बस अब इसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। बाकी मैं क्या लेके आती हूँ आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। ओके इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। ये जो आपने शुरू में क्लिप देखी है वो बिल्कुल भी चांद रात वाले दिन यानी आज की नहीं है, वो दो चार दिन पहले की वीडियो है जो मैंने बनाई थी और कुछ प्लानिंग की थी। तो खैर वो वीडियो मैंने उस वक्त अपलोड नहीं की और वो रह गई। खैर अब मैं ये सफाई चल रही है जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है और बेडशीट वगैरह मैं बिछा रही हूँ। मैंने पूरे घर की सफाई करी हस्बैंड के साथ मिलके, और सारी सफाई करने के बाद सबसे एंड का काम ये बेडशीट का था। अब सफाई करते हुए तो इतनी बिजी चल रही थी कि मैं उस टाइम क्या रिकॉर्डिंग करती, तो मैंने सोचा कि बेडशीट सी सेट करते हुए और बेड सेट करते हुए ही मैं वीडियो बना लेती हूँ। और ये मेरा सबसे फेवरेट काम होता है क्योंकि मैं इस टाइम नई बेडशीट निकाल के अपने बेड पर बिछाती हूँ। और ये वाली बेडशीट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी और बस मैंने ले रही थी। कहाँ से ली थी? मैंने ली थी कुर्तुबा से। ऐसी बता रही हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैंने ख़ुद बनवाई थी ये, और कम्फर्टर वाली बेडशीट मुझे बहुत पसंद है और हम मज़े की बात ये कि इब्राहिम को भी बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो भाई मेरी रूटीन तो ये होती है कि जो अभी आपको नज़र आएगी, लेकिन इस दफ़ा एक बहुत बड़ा चेंज है कि यहाँ की ईद की ये अच्छी बात होती है कि यहाँ पे नमाज़ें वगैरह जो है हम मस्जिद में जाके पढ़ते हैं या मक्का मदीना जाके पढ़ते हैं, लेकिन वो हम इस दफ़ा नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो कि मेरे लिए बहुत पेनफुल है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है वो हम ज़रूर जाएंगे और बिल्कुल वैसे ईद मनाएंगे जैसे हमेशा मनाते हैं। अच्छा जी, तो ये कमरा मेरा बिल्कुल सेट हो गया है। अच्छा जी, रात के कुछ 2:30 बज रहे हैं और अभी मेरे काम पूरे नहीं हुए और मैं मेहंदी लगाने वाली थी। खैर फिलहाल जो है मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ड्राई फ्रूट्स। अभी छुहारे मैंने बॉईल करने के लिए रखे, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर वो कट करूँगी। फिलहाल मैं ये चीज़ें कट कर रही हूँ। यहाँ मैंने पास्ता लेके आई हूँ गर्म करके क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, मुझे पास्ता खा रही हूँ। और यहाँ मैंने लैपटॉप ऑन किया क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर इतनी वीडियोज़ हो गई हैं कि अब मेमोरी फुल हो रही है तो मुझे वो खाली करना है। और ये क्या आप देख सकते हैं इस वक्त 2:30। अब जो है मैं शीर कोरमा की सारे ड्राई फ्रूट काट चुकी हूँ और इसको मैं अब स्टार्ट करूँगी बनाना। ये मेरे हस्बैंड को थोड़े मेवे ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से मैंने ज़्यादा मेवे डाले हैं। और बस ये है कि मैं पैकेट यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा एसेंस वगैरह होता है तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसमें। अब मैं इसमें पैकेट निकाल लूँ जो कि मुझे यूज़ करना है। मैं थोड़ा, मेरी आवाज़ शायद इसमें आहिस्ता आ रही हूँ कि इब्राहिम साथ में सो रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉल्यूम करके सुन लें। अच्छा जी, अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला एक पैन में और पहले मैं इसमें थोड़ी सी सेवैयाँ डाल रही हूँ क्योंकि जो है ऑब्वियसली जब मैं मेवे ज़्यादा डालूँगी और फिर जो है वो सेवैयाँ भी ज़्यादा डालूँगी और फिर दूध भी ज़्यादा डलेगा। और मैं सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि सिर्फ पैकेट नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़रा चाह रही हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड एक तो बहुत शौक से खाते हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने नेबर्स में भी भेजूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से सब चीज़ें डाल के भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनना, जस्ट 5 मिनट्स इसको भूनेंगे क्योंकि इसमें चीनी भी है, वो मेल्ट होने लग जाएगी बड़ा। और फिर हम इसमें दूध डाल देंगे और
बस मैं 2 लीटर दूध डाल रही हूँ इन सब चीज़ों में। हर मैंने क्वांटिटी तो किसी चीज़ की नहीं बताई, तो दूध की बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ईजी है, आप सिर्फ पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा मसाले डालने की मेवा जात डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पैकेट यूज़ नहीं कर रहे तो बस यही मेवा जात और जो है और सेवैयाँ डालती हैं इसमें, और आप इसके अलावा अपने फ्लेवर के लिए इलायची वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा शीरकुरमा बनता है। अच्छा जी, तो ये मैं क्या कर रही हूँ कि मेरी टेबल के ऊपर ये ट्रे रखी हुई होती है और इसमें मैं रिफ़िल कर रही हूँ सारे नट्स वगैरह, क्योंकि इस वक्त जो पेंडेमिक चल रहा है उसके हिसाब से जो है हमें ये सब चीज़ें खाती रहनी चाहिए। मैं इतना नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ ही चीज़ें बादाम वॉलनट्स मुझे पसंद है, लेकिन मेरे मुँह में छाले हो जाते हैं वो खा के, आई डोंट नो व्हाई, मुझे सूट नहीं करते। लेकिन इतना नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो ये चीज़ तो मेरे घर में मस्त है। तो पाकिस्तान में होती थी तो मम्मा नीमको इस तरह से करके रखती थी, और मैं और मेरे पापा नीमको बहुत शौक से खाते थे, और मैं पाकिस्तान से हमेशा नीमको लेके आती हूँ, बट जो मैं लेके पहले आई थी वो ख़त्म हो गया, और खैर यहाँ आके भी वो ऐसे ही रखा रहता है, इतना यूज़ ही नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसे रखते हैं, पाकिस्तान की चीज़ पाकिस्तान में। अच्छा जी, अब दूसरी तरफ ये जो है शीर कौरमा तैयार हो रहा है, और ये मैं आ गई हूँ रूम में, यहाँ दूसरे रूम में, और यहाँ पे मुझे ये सब कपड़े जो रखे हैं ये प्रेस करने डेफिनेटली, तो ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े, मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ दिखा दिया है, और ये मेरा मैं अपना दिखा रही हूँ सूट। अच्छा जी, ये इब्राहिम का है, और हम आप लोग सोचेंगे सबके ग्रे कपड़े हैं, तो जी मेरी मम्मा ने ही गिफ्ट किए हैं और सबके मैचिंग के ही किए हैं। अच्छा जी, अब मैं ये सेटिंग कर रही हूँ, ये जो कि मैंने पहले की थी बट मैंने वीडियो एंड पे लगाई है, तो बस छोटी मोटी सी सेटिंग मैंने करी है, और उस दिन मैं खैर ये ही सामान लेने के लिए गई थी जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी है, और अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट्स और स्वीट्स वगैरह डाल दूँगी ताकि कोई आए तो दो, लेकिन कोई आएगा तो नहीं, हम खुद ही चलते फिरते खा लेंगे। ये टेबल कवर है, मेरे हस्बैंड इस दफ़ा लेकर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर शॉप्स वगैरह ओपन हो गई थी, तो ज़रा आसानी हो गई थी। अच्छा जी, चलें आज की वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद मैंने मेहंदी भी लगाई थी लेकिन मैं उसकी वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत अच्छे से अपने घर में रह के ईद मनाएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।